नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नवरत्न मंजूषा। आपका स्वागत है टेक्निकल नवरत्न मंजूषा यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यूनिवर्सिटी की आप डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो वो कैसे प्राप्त करोगे। तो आपको सबसे पहले लिखना है पीडीयू शिखर और सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने एक तो वेलकम टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी जो शिखर है राजस्थान की आ जाएगी, और दूसरा इसका जो लिंक है वो इसके आ जाएगा। तो देखिए, आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है शेखावटी यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ आ रहा है uniexam.com। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपके सामने में एक स्टेप बताऊँगा, वो पूरी करनी है। पहला इसमें देख सकते हैं, इसमें जो स्टूडेंट पैनल है, कॉलेज पैनल है, यूनिवर्सिटी पैनल है, थ्योरी जो एग्जामिनर है, प्रैक्टिकल एग्जामिनर है, जो फील्ड एग्जामिनर प्रोफाइल है और हेल्प डेस्क है, और इसके बाद में लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है, लिखा हुआ है डिग्री डाटा। तो देखिए, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ डिग्री डाटा पर, और आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो सबसे पहले आपकी साल कौन सी थी, आप पीजी में हैं, यूजी में हो या प्रोफेशनल, और क्लास सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको रोल नंबर और प्रोसीजर पर आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स 2018 लूँगा, क्योंकि इसमें 2018 की डिग्री सबमिट है। और उसके बाद में ये देख सकते हैं जो सेलेक्ट करूँगा मैं पीजी यूजी, तो देखिए मैं यूजी करूँगा। इसमें हर आती है इसमें कि आप पीजी में हैं, यूजी में या प्रोफेशनल में, तो देखिए मैं यूजी की जो अपनी है डिग्री वो प्राप्त करूँगा। तो मैंने यूजी है वो इसमें सेलेक्ट कर दिया है। और इसके बाद में मैं क्लास फिल करूँगा इसमें कि मेरी क्लास बीए है, बीएससी है, जो बीकॉम है या बीएससी है, कोई सी भी मैं एक ले लूँगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जो बीए है वो लूँगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर बीए लिया है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर फिल कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि रोल नंबर किस हिसाब से आपको फिल करना है, तो मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर अपना जो रोल नंबर है वो फिल कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पर रोल नंबर है वो फिल कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपना जो रोल नंबर है वो फिल कर दिया है। और अब जो प्रोसेस है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। देखिए मैंने जो अपना ईयर वो सही सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मेरा जो प्रोफेशनल जो यूजी था, पीजी था या प्रोफेशनल था वो मैंने, और मेरी क्लास कौन सी थी, मैं आर्ट्स में हूँ या कॉमर्स में या मतलब साइंस में, तो मैंने आर्ट्स का जो बीए पार्ट थर्ड ईयर 2018 मेरा रोल नंबर, उसके बाद प्रोसेस्ड मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। देखिए अब मैं प्रोसेस्ड पर क्लिक करूँगा, मेरे प्रोसेस्ड पर कर दिया क्लिक करूँगा। तो जैसे आपके सामने देख सकते हैं कि ये जो मेरा जो डिग्री डाटा है यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं, और आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि टोटल इसमें चीज़ आ रही है, आप देख सकते हैं कि देखिए मैं आपको दिखाऊँगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपने जैसे प्रोसेस किया, तो प्रोसेस करने के बाद में देखिए मेरे पास रोल नंबर है ये हो गया, मेरा एनरोलमेंट नंबर कौन सा है, नाम कौन सा है, और यहाँ पर देखिए नाम का दिक्कत आ रही है इसमें, और जो फादर्स नेम है, डिवीजन कौन सी है, कॉलेज कौन सी है, रेगुलर हूँ या कौन सा हूँ मैं, और फिर यहाँ से आपको प्रिंट प्राप्त कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे इसमें आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट पर, आप देख सकते हैं जहाँ अशुद्धि हो तो उस पर लाल स्याही, यहाँ पर लाल स्याही आपको क्लिक करनी है, और शुद्ध शब्द लिखें आपका नाम क्या है। जैसे मेरा नाम नवरत्न है, तो मैं यहाँ पर अपना जो शुद्ध नाम है वो यहाँ पर नव, मेरा नाम है तो मैं नव यहाँ पर लिख दूंगा इस हिसाब से। और पीडीएफ, और जो नाम लिखने के बाद में मुझे एक पीडीएफ फाइल बनानी है, और पीडीएफ फाइल बनाने के बाद में फॉर्मेट सेव कर लेना है, और उस डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है, जो ईमेल है उस ईमेल पर आपको फॉरवर्ड करनी है। वो ईमेल है pdudegree@gmail.com, जो pdu और जो डिग्री है और @gmail.com ये करना है। और उसके करने के बाद में आपको आपका जो ईमेल है वहाँ पर चला जाएगा, और आपका जो नाम है वो करेक्शन होकर भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप इसका करेक्शन भी करवा सकते हैं, और आपकी जो डिग्री डाटा है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका देखिए फ्रेंड्स, आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा प्रिंट किस हिसाब से आप लोगे। तो यहाँ पर तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो प्रिंट है, आप प्रिंट भी ले सकते हैं। देखिए मैंने जो प्रिंट पर दबाया था, प्रिंट पर दबाने के बाद में इस हिसाब से आ गया, और आपका जो पीडीएफ यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो, डायरेक्ट आप ई मित्र से इसको ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा पीडीएफ पर, आप पीडीएफ की फाइल भी बना सकते हो इसको, और इस हिसाब से अपना जो ये फाइल बनाकर आप यहाँ कहीं पर भी आप इसको सेव कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप फ्रेंड्स आपका ये जो है जो डिग्री है आप इस हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके सामने सुरक्षित पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।